दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ईशान किशन के ट्रेड को लेकर। इसके बाद रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, आरसीबी टीम, आईपीएल के ट्रेड विंडो, आईपीएल के लाइव स्ट्रीमिंग चैनल और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो ध्यान से टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, और सीएबी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोलकाता की टीम को बंगाल के प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहिए ताकि केकेआर के फैंस इमोशनली केकेआर टीम से अटैच हो सके। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है आईपीएल को लेकर। तो रवि शास्त्री ने बताया है कि एक साल में दो बार आईपीएल को कंडक्ट करवाना चाहिए। जिस तरीके से फुटबॉल में लीग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो क्रिकेट में आईपीएल को एक साल में दो बार करवाना चाहिए। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम के रिलीज प्लेयर्स को लेकर। तो ये टीम जिन प्लेयर्स को 100% रिलीज करेगी उसमें नाम आता है करुण नायर, डेरी मिचेल, जिमी निसम, राशि वंडरसेन और देवदत्त पड्डीकल का। और पड्डीकल के एक चांस भी है कि ये टीम पड्डीकल को अपने स्क्वाड से बाहर कर दे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली की टीम बड़ा कदम उठा सकती है और तूफानी तेज गेंदबाज नौरखिया को अपने स्क्वाड से रिलीज कर सकती है, क्योंकि नौरखिया का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर काफी ज्यादा डाउन था और ऑक्शन में कम दाम में रीबाई करने का प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 को लेकर, जिसमें रिटायर प्लेयर जैसे कि सचिन सहवाग खेलते हैं। तो ये लीग 4 जून से स्टार्ट होगा जो कि 3 जुलाई को खत्म होगा, और इस लीग में 8 टीमें इस बार पार्टिसिपेट करेगी, जहां पर न्यूजीलैंड लीजेंड की टीम को इस साल ऐड किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, और हरभजन सिंह ने बताया है कि पंजाब की टीम को मयंक अग्रवाल से कप्तानी ले लेने चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल पर कप्तानी का प्रेशर बन गया है और इसी वजह से अग्रवाल ने आईपीएल 2022 में बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की थी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है वुमेन्स आईपीएल को लेकर। तो वुमेन्स आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने पूरा ढांचा तैयार कर लिया है और बीसीसीआई ने साफ तौर पर बता दिया है कि अगले सीजन से 6 टीमों के साथ वुमेन्स आईपीएल को कंडक्ट करवाया जाएगा। जहां पर विंडो के बारे में बात करें तो मार्च या फिर सितंबर के महीने में वुमेन्स आईपीएल 2023 स्टार्ट होगा और इसका ऑक्शन इसी साल दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। तो वुमेन्स आईपीएल होने से क्रिकेट में क्रेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल 2023 में मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा, तो इस वजह से आईपीएल 2023 का ट्रेड विंडो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये ट्रेड विंडो लगभग आईपीएल के शुरू होने तक चलेगा। और इस ट्रेड विंडो में कई सारे प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम में ट्रेड होंगे। पहले भी हर्षल पटेल, रॉबिन उथप्पा समेत काफी सारे प्लेयर्स आईपीएल में ट्रेड हो चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है ईशान किशन की तरफ से। तो अगले साल मुंबई इंडियंस की टीम मिनी ऑक्शन से पहले ईशान किशन को रिलीज कर देगी, क्योंकि 15 करोड़ के बड़े रकम के साथ ईशान किशन के साथ मुंबई की टीम कंटिन्यू नहीं करेगी। तो ऐसे में ईशान किशन पर ऑक्शन में अच्छी खासी बिडिंग देखने को मिलेगी और आरसीबी टीम भी फाफ डुप्लेसिस के एक बेहतरीन ओपनर के लिए यानी कि ओपनिंग पार्टनर के लिए ईशान किशन को टारगेट करेगी और 8 से 9 करोड़ में इस प्लेयर को अपने स्क्वाड में खरीदने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट को लेकर। तो 12 जून को इसका ऑक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा और मुख्य रूप से सोनी जी स्टार और विया कंप की कंपनी आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और जी और सोनी कंपनी
कंपनी ने बताया है कि वो इस बार आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट को खरीदने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपके हिसाब से आईपीएल अब कौन से चैनल पर आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।